ने भी जय बंगला जय हिंद लगाया, हमें जय बंगला से परहेज नहीं, जय हिंद से परहेज नहीं, जय श्री राम से परहेज नहीं, जय महाकाली से परहेज नहीं है। हम भी जय हिंद, जय बंगला, जय महाकाली और जय श्री राम बोलेंगे। कल ममता बनर्जी ने दो तीन आरोप लगाए हैं। पहला मुख्य आरोप है कि बैलेट पेपर पर वापस जाना चाहती है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है। देखिए, वो ईवीएम के माध्यम से ही मुख्यमंत्री बनी। जब ईवीएम बहुत अच्छा था, जब वो जीतती है तो ईवीएम बहुत अच्छा है, जब हारती है तो ईवीएम पे उंगली उठाई जाती है। इससे अच्छा है ममता जी कांच के अंदर अपना चेहरा देखें। जिस तरीके की तानाशाहीपूर्ण अप्रजातांत्रिक सरकार आपने चलाई है, हिटलर शाही चलाई है, जिस प्रकार सिंडिकेट राज बंगाल में चल रहा है, उसकी परिणति है कि आपकी पराजय हुई है और ये लगातार होगी। यदि अभी भी आपने पीछे पलट कर नहीं देखा तो विधानसभा में ढूंढते रह जाएंगे कि कहां पर है टीएमसी के विधायक। और इसलिए ममता जी को चाहिए कि अभी समय है, कम से कम एक बार आईने के सामने खड़े होकर आंख से आंख मिलाकर देखें कि क्या इस प्रदेश की जनता से जो वादा आपने किया था वो पूरा किया है क्या। क्या आपने नहीं कहा था कि चिटफंड कंपनियों के घोटालेबाजों को जेल भेजेंगे? शर्म की बात है कि आप चिटफंड कंपनियों को जो नेक्सस समर्थन कर रहा था, ऐसे अधिकारी के समर्थन में धरने पर बैठी। जनता इस बात को समझती है और जनता ने इस बात का आपको करारा जवाब दिया है। जनता मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल में हिंसा समाप्त करना चाहती, अहिंसक प्रदेश बनाना चाहती, और अहिंसक प्रदेश यदि कोई बना सकता है तो वह सिर्फ बीजेपी बना सकती है, क्योंकि इस प्रदेश ने कांग्रेस को देखा है, हिंसा समाप्त नहीं हुई। CPM को देखा है, हिंसा समाप्त नहीं हुई, लगातार बढ़ती गई, और TMC में तो एकदम चरम सीमा पर हिंसा है। तो अब इस प्रदेश की जनता हिंसा नहीं चाहती, शांति चाहती, और अगर शांति कोई दे सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी।